नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज दोस्तों बात करते हैं घबराहट की। भाई छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो, अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं और कई बार अगर जाते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट कभी ना कभी घबराहट लेके जाते हैं, पालपिटेशन लेके जाते हैं। ऐसे लोग यंग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, नौजवान हो सकते हैं, मिडिल एज वाले हो सकते हैं। उनको सबसे बड़ा डर होता है मेरे साथ हो क्या रहा है, राइट? मुझे घबराहट क्यों हो रही है, अनइजीनेस क्यों हो रही है, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, कुछ हो जाएगा। बताओ कुछ हो तो नहीं रहा, मैं मर तो नहीं रहा हूँ, मेरा हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, मेरी धड़कन क्यों मुझे सुनाई दे रही है, मेरे को पसीने क्यों छूट रहे हैं, ये क्या हो रहा है, चक्कर क्यों आ रहा है, घबरा रहा हूँ मैं। जी हाँ, तो ऐसे बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स, लेकिन मोटी मोटी बात है अनइजीनेस, घबराहट, पालपिटेशन। क्यों, कैसे, काइको कशाला असा काय झाला, म्हणजे अपा देखते हैं मराठी पंजाबी मिक्स, एनीवेज हो जाता है, महाराष्ट्र तो है ना अपा, इस करके हो जाता है, ठीक है। सो घबराहट के बारे में बात करते हैं, पालपिटेशन के बारे में बात करते हैं, और देन फिर थोड़े से Q&A लेंगे पब्लिक वाले, और शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। देखिए, जब भी एक पेशेंट घबराहट पालपिटेशन का आता है, द बिगेस्ट कंसर्न इन द पेशेंट्स माइंड एज वेल एज द डॉक्टर्स माइंड, पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है कि भैया हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। पेशेंट के माइंड में सबसे बड़ा है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। थैंक यू जी, लव यू ऑल, जड़े जड़े बंदे लिख रहे हैं, लव यू, अपा सारे देख रहे हैं जी, चिंता ना करो, ठीक है जी। और क्या, हाँ, तो घबराहट हो रही है, लोग हम पहले देखते हैं हार्ट का अटैक वाले रिस्क तो नहीं है। सीधी सीधी बात, उम्र क्या है, बच्चा है, बीच क्या बोलते हैं उसको, टीनेजर है, जवान है, मिडिल एज है, तो चांसेस कम है। लेकिन भैया अगर मिडिल एज से ऊपर है तो सबसे पहला सवाल होता है, क्या पुरानी कोई हार्ट की बीमारी है? नहीं है, है तो फिर हार्ट पहले टेस्ट करना है, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब बाद में। दूसरा, ECG पहले करना है बेसिकली। दूसरा, अगर कोई रिस्क फैक्टर है, शुगर, BP आपको है, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, राइट, ऐसे कोई रिस्क फैक्टर, चलने फिरने से सांस फूलने की हिस्ट्री, छाती में दर्द होने की हिस्ट्री, बहुत ज्यादा खूंखार यानी अच्छा खासा प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पसीना आने की हिस्ट्री, तो आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। यहां पर भी हमने हो सकती वर्ड करी है, हो गई है, नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो घबराहट में पहले हार्ट की बीमारी रूल आउट करनी है, इसके ऊपर कई सारे वीडियो है, चेस्ट पेन, चाहे हार्ट फेलियर, क्या मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, सारे वीडियो है नीचे, हार्ट टेस्ट सारे, ECG, इको, TMT, ट्रोपाई, ट्रोपोनिन, एंजियोग्राफी, सब पे वीडियोस हैं, आप जाके अच्छे से इसको आराम से समझ सकते हो। लेकिन एक्यूट स्टेज में आपने कम से कम एक ECG कराना है, और वो एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, कार्डियोलॉजिस्ट जरूरी है भैया, बाकी सारे डॉक्टरों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि ECG हर एक को इतने अच्छे से नहीं आती समझ में कि भाई हाँ ECG मुझे कुछ दिक्कत है भी कि नहीं। कुछ लोग छोटे सी दिक्कतों में डरा देते हैं, कुछ लोग बड़ी दिक्कत को कुछ नहीं है बोल देते हैं, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। सो देन हार्ट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड बिगेस्ट थिंग इज, जैसे ही कोई घबराहट बोलता है तो सीधा हाथ जाता है हमारा उसके पल्स में कि आज जरा देखूं मैं पल्स जो होती है पल्स कितनी है, राइट, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगर तो पल्स, दो चीजें देखी जाती है, राइट, पल्स में जो मेन, बाकी तो बहुत सारी चीज है, पल्स मिल रही है कि नहीं मिल रही, मिल तो रही है ऑब्वियसली, नहीं तो कई लोग होते हैं जो घबराहट के साथ आते हैं, बेहोश आते हैं, पल्स नहीं मिल रही होती, या मिल भी रही होती है तो फीबल होती है, पल्स अच्छी है, स्ट्रांग है, उसमें देखा जाता है क्या हार्ट रेट है, राइट। आपको मैंने पल्स देखना समझाया है, पल्स वाले वीडियो में यूट्यूब पे आप पल्स बाय डॉक्टर एजुकेशन, हार्ट रेट बाय डॉक्टर एजुकेशन डालोगे तो पल्स रेट कैसे देखना आ जाएगा, वो पल्स रेट देख के आप अंगूठे के नीचे उंगलियां रख के पल्स रेट घड़ी में देख सकते हो। अगर ये पल्स रेट आपकी 140, 150 या इवन 100 से ऊपर है तो इसे टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया मतलब दिल की धड़कन बढ़ जाना। ऐसे केस में जो बिगेस्ट चीज होती है, अगर 140, 150, 160, 180, 190, 200 ऐसी भी पल्स रेट जाती है भाई साहब, अगर ऐसी इतनी तेज पल्स रेट है तो ये पालपिटेशंस, ये साइनस टैकीकार्डिया, ये एक अरिदमिया, PSVT, SVT, VT ऐसी चीजें हो सकती है। इस केस में अर्जेंट ECG और अर्जेंट कुछ ना कुछ करना जरूरी होता है, इंजेक्शन देना या धड़कन कम करने के लिए कुछ करना, कैरोटिड मसाज, सांस सांस में
मैंने बताया था पहले पाल्पिटेशन वाले वीडियो में, आप लंबी लंबी सांस ले सकते हो, कैरोटिड मसाज डॉक्टर करते हैं, या फिर आप वेसल्वा कर सकते हो, वेसल्वा में नाक मुंह बंद करके ब्लो करते हैं तो धड़कन कम हो जाती है। सब ना करें, चक्कर आ सकता है, इसलिए जब तक ना बताया गया ना करें। दूसरी चीज, अगर पल्स रेट ठीक है आपकी, इवन एक 100 है, 150 है, या इवन 100 से भी कम है, दूसरी चीज जो देखी जाती है, पल्स मिस तो नहीं हो रही, राइट, आपकी स्किप तो नहीं हो रही। स्किप कैसे होगी पता चलेगा, घड़ी के कांटे जैसी टिक 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 इसमें पल्स आ रही है, और एक बार नहीं आई, क्या हुआ, फिर एक मिनट, एक सेकंड बाद आ गई, अरे यार मिस हुई, आपको पता चल जाएगा मिस हुई। अगर मिस हो रही है, अरिदमियाज है, आपको फिर से ईसीजी करनी पड़ेगी, इको कार्डियोग्राफी करनी पड़ेगी। अगर चक्कर आ रहा है, दैट मींस ये ज्यादा हो रहा है। चक्कर कब आएगा, जब मिस हो के ज्यादा मिस हो रही है और बीपी कम हो रहा है उस समय अरिदमिया की वजह से, तो चक्कर आता है। ऐसे केस में क्लॉट बनने का खतरा होता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको होल्टर टेस्ट, होल्टर क्या होता है, 24 घंटे लंबी ईसीजी, उसके बारे में हमारा डिटेल वीडियो है। आपको इको कार्डियोग्राफी, आपको ईसीजी कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शन, हार्ट के टेस्ट जरूर कराने पड़ते हैं। चलो बात होगी हार्ट की, मान लो आपकी पल्स भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, आपका थोड़ा सा पल्स बढ़ा हुआ है लेकिन रेगुलर है, कोई स्किप बीट नहीं है, आपकी पल्स मान लो 100, 110, 120 है, तब बात आती है कि हार्ट को छोड़ के ईसीजी कर ली, ईसीजी ठीक है, हार्ट को फिर भी ईसीजी करते समय भी हमारा सवाल दिमाग में चलता है, हार्ट को छोड़ के और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोई और सिम्टम है क्या, बुखार है, पल्स रेट बुखार से बढ़ सकती है, आप डिहाइड्रेटेड है, पानी नहीं पी रहे हैं, तो चमड़ी ऐसी डिहाइड्रेटेड दिखेगी कि वापस नहीं जा रही, ये भी मैंने बताया हुआ है, अगर ऐसे पिंच करते हो और ये वापस नहीं जाता तो डिहाइड्रेटेड है बंदा, या जबान ड्राई है, एकदम ड्राई टंग, डिहाइड्रेटेड है, स्किन देख के, शक्ल देख के बता सकते हैं पर्सन फुल्ली डिहाइड्रेटेड है, ये भी एक साइन सिम्टम होता है। शरीर देख के बता सकते हैं इसको और क्या दिक्कत हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइपर थायराइड अगर है, थायराइड की मेडिसिन ज्यादा ले रहे हैं तो भी आपको पाल्पिटेशन घबराहट हो सकती है, आपको एक्चुअल अनीमिया खून की कमी है तो भी आपको पाल्पिटेशन ज्यादा हो सकती है। हमें देखना होता है, आपने अगर 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, शुगर कम हो गई तो भी आपको पाल्पिटेशन हो सकती है। तो बीपी, शुगर, हार्ट रेट, ईसीजी, ये टेस्ट होते हैं जो किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल या कहीं पर भी जरूरी होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पुरानी हार्ट डिजीज है तो पहले हार्ट के टेस्ट, पहले हार्ट के इंपॉर्टेंट है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, इनके भी चेकअप होते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी बेसिस में नहीं है। फिर सोचा जाता है, फिर बोला जाता है कि और क्या हो रहा है। अगर मान लो पेट में दर्द है, मान लो किसी भी प्रकार की कोई एक्यूट बीमारी हो रही है, एक्यूट एब्डोमेन, पेट में चोट लगी, गॉल ब्लैडर का स्टोन, रीनल कोलिक, यहाँ किडनी का पेन, गॉल ब्लैडर का पेन, या मसल में पेन, या चोट लग गई एंकल में पेन, किसी भी प्रकार का ऑनगोइंग पेन, धड़कन तो बढ़ाएगा ही, ऑब्वियसली धड़कन पेन से भी बढ़ती है, फीवर से भी बढ़ती है, एंजाइटी से भी बढ़ती है, घबराहट एंजाइटी से भी होती है। अभी यहां कोई बम फूट जाए, हमारी भी धड़कन बढ़ जाएगी भाई साहब, सबकी धड़कन बढ़ जाएगी, राइट, एंजाइटी, क्या हो गया है कि नहीं, सो एंजाइटी से भी बढ़ती है और पाल्पिटेशन एंजाइटी से भी होते हैं। पाल्पिटेशन और टैकीकार्डिया अलग चीज है। टैकीकार्डिया मतलब धड़कन बड़ा होना, ज्यादा होना, ब्रैडीकार्डिया मतलब धड़कन कम होना। 100 से ऊपर होती है तो टैकीकार्डिया, 60 से नीचे होती है तो ब्रैडीकार्डिया, 60 से 100 एवरेज रेंज में घूमती है तो नॉर्मल है, बेस्ट 72 सुना होगा, 70-72, लेकिन ये नॉर्मल रेंज में घूमता रहता है। हार्ट रेट अगर नॉर्मल है फिर भी सुनाई दे रही है, अनइंटेंशनल, राइट, अनईजी फीलिंग ऑफ हार्ट बीट इज पाल्पिटेशन। मान लो आप आपको एक एक धड़कन ढम ढड़ंग ढड़ंग सी फील हो रही है तो आपको अनईजी होगा, राइट, तो हाँ थोड़ी देर मारो, ठीक है, तो होगा, राइट, दैट इज पाल्पिटेशन। सो ये पाल्पिटेशन क्यों हो सकता है? पाल्पिटेशन कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, लाइक इवन छोटा सा रीजन, 1-2 दिन हम सोए नहीं, 1-2 दिन आप सोए नहीं, पाल्पिट, घबराहट, पाल्पिटेशन, चाय कॉफी बहुत सारी पी ली, पाल्पिटेशन, घबराहट, वो क्या बोलते हैं उसको, रेडबुल, 3-4-5 रेडबुल पी लिए, 1-2 रेडबुल पी लिए, घबराहट, एकदम घबराहट, या एक्चुअल कोई बीमारी हो गई, पल्मोनरी एडिमा हो गया, सांस फूलने लगी, आपको बीमारी कोई मान लो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, या बड़ी बड़े टर्म्स बोल रहा हूँ, हार्ट फेल हो रहा, लंग फेल हो रहा, किडनी फेल हो रहा, दिमाग में स्ट्रोक हो गया, कुछ भी ऐसी चीजें होगी, घबराहट होगी, पल्पिटेशन होगा, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई और सिम्टम होगा, फिर एंजाइटी में कोई और सिम्टम नहीं होगा। दिमाग में अगर स्ट्रोक हो रहा है तो एक हाथ पैर कमजोर हो गया, फीलिंग नहीं आ रही, उसमें हाथ नहीं चल रहा, सीजर आ गया, दौरा पड़ गया, ऐसा होगा। पल्मोनरी एडिमा है तो सांस नहीं आएगी, टैकीकार्डिया के साथ बीपी लो होगा, सांस फूलने फूलेगा, हार्ट फेल हो रहा है तो सांस फूलेगा, है ना, छाती में दर्द हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन दैट।
फिर अगर आप मान लो एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेने भर से पाल्पिटेशन हो सकता है किसी को, अपनी लिमिट पुश कर रहे हो बहुत ज्यादा, अति मात्रा में आपने किसी की बात सुन ली, या आपने डाइट वा क्या रहा उसका डाइट कोच जो आपके जिम इंस्ट्रक्टर की बात सुन के उनके ही ब्रांड वाला एक डाइट पिल ले लिया आपने, जिसमें कि उन्होंने बोल के आपको दिया है मल्टीविटामिन, लेकिन वो कुछ और ही था, वो थायराइड मेडिसिन थी, वो डायनाबोल था, वो स्टीरॉइड था, और आपकी होगी ऐसी तैसी, आप वो दवा ले रहे हो, आपको जे लगातार पसीने, जे लगातार फुंसी फोड़े, जे घबराहट, जे ये जे वो, जे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, क्या नहीं हो रहा आपको, ये सब हो रहा है, तो ये सारे रीजन हमें एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। भाई उल्टा सीधा खा तो नहीं लिया, पॉइजनिंग तो नहीं होगी, कोई बात तो नहीं हो, घर में किसी ने झगड़ा तो नहीं कर लिया, किसी ने मार तो नहीं दिया, ये सब सोचना पड़ता है, राइट। फिर सोचना पड़ता है डाइट पिल, कोकेन, कोई ड्रग्स, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं ले रहे, ठीक है। और उसके बाद में दवाइयां पूछनी पड़ती है, अगर पुरानी बीमारी चल रही है तो दवाई कौन सी चल रही है, दवाइयों से भी गड़बड़ी हो सकती है। सो इन सारी चीजों से एक्चुअली में प्रॉब्लम हो सकता है, और अल्टीमेटली लो ऑक्सीजन अगर शरीर में होगा कहीं पर भी, आपका खून की खून में ऑक्सीजन की कमी हो, आपका खून कहीं से बह रहा हो, आपको लैट्रिन में खून आ रहा, पाइल्स हो, बवासीर हो, आपको गैस से गैस्ट्राइटिस हो रहा है, उसमें पेन हो रहा है, पेट में अल्सर हो, तो ऐसी कई बीमारियों से आपको घबराहट होगी भैया, तो आपको साइन सिम्टम देखने होते हैं कि क्या सिस्टम लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको क्या करना है, आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करनी है, लंबी लंबी सांस लेनी, जल्दी जल्दी सांस नहीं लेनी, नहीं लंबी सांस लो, मजा आने चाहिए, मतलब सांस लेने में आपको ऐसा लगना चाहिए भैया मस्त ग्रीनरी में आए हो, हरी ठंडी हवा आ रही, हरी ठंडी इसलिए कह रहा हूं, हरी हरी ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी, एकदम हरी ठंडी मस्त हवा आ रही है, सांस लो, फिर कॉफी चाय लेना बंद करो, फिर नमक कम लेना शुरू करो, फिर बीपी चेक करो, अगर नमक बीपी कम है तो नमक ज्यादा लेना पड़ेगा, कॉफी चाय लेकिन बंद करो, कॉफी चाय लेना बंद करो, रात को नींद का ध्यान रखो, योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो रेगुलर बेसिस में, अगर ये हो रहा है तो फिलहाल टेस्ट कराने, एक इमरजेंसी लग रही है तो इमरजेंसी में जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, वेलसल्वा करो, ये जरूरी है, ठीक है। मजा आ गया दिनेश जी, बढ़िया, चलो वेरी गुड। लेकिन भाई साहब अगर आपको किसी भी प्रकार से बेहोशी सी आ रही है, अगर आपको किसी प्रकार से सांस फूल रहा है, पसीना आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, या फिर चक्कर आ रहा है, या एक हाथ में कमजोरी हो, तो कतई भी घर में रुकने की बेवकूफी मत करना, कतई भी बिना सोचे समझे छोटे मोटे अस्पतालों में या क्लिनिक में या किसी, देखो बुरा मत माना, लेकिन इसमें आपको टेस्ट की जरूरत है, आपको आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाई की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट करना चाहिए। हम नहीं कह रहे एलोपैथिक दवा खाओ, मैं नहीं कह रहा आयुर्वेदिक के पास मत जाओ, मैं कह रहा हूं जाके ईसीजी कराओ, ठीक है, ईसीजी कराओ, पहले पता करो हार्ट की बीमारी तो नहीं है, ईसीजी कराओ, फिर बात सोचो कि भाई मुझे कौन सी दवाई खानी है, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कह रहा कि भैया गलती से भी आयुर्वेदिक के पास होने, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ईसीजी कराओ, पहले जाके ईसीजी कराओ, ठीक है। हाँ बाकी देखो ये फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास आज भी पेशेंट आए थे, लोग अपनी दवाइयां बंद कर देते हैं, लोग सोचते हैं मैं उसमें चल जाऊं उसमें चल जाऊं, देखिए आयुर्वेदिक खाओ, एलोपैथिक खाओ, होम्योपैथिक खाओ, ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है जिस चीज के लिए खा रहे हो, बीपी के लिए खा रहे हो, बीपी कंट्रोल है कि नहीं, शुगर कंट्रोल है कि नहीं, हार्ट की बीमारी कंट्रोल है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, मॉनिटर करो, पल्स रेट सॉल्व हुआ कि नहीं, मॉनिटर करो, पहले मॉनिटर करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपके सवाल और जवाब, सवाल जवाब देखने का टाइम आया है। जब कैसे हैं आप दोस्तों? ऑल राइट, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। हां आज दोस्तों बात ये हो गया जी, सवाल जवाब ठीक है। सर फिशर ट्रीटमेंट इज आयुर्वेदिक बेस्ट? नो जी, फिशर ट्रीटमेंट इज नॉट आयुर्वेदिक बेस्ट, फिशर वाला हमारा वीडियो देखो, नॉर्मली फिशर डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट, तो गलती से भी फालतू में उसको और कटवा मत लेना। म्यूकस आता है स्टूल में, गो टू अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, यू नीड फर्दर डायग्नोसिस। म्यूकस में स्टूल कई बीमारियों में आ सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेके पेट में छाले, यानी क्या नाम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, IBS, पेट में कीड़े होना, यानी सिंपल कोई क्या बोलते हैं लिवर डिसऑर्डर से भी हो सकता है, तो वी हैव टू डायग्नोस राइट, और सिम्टम देखने होंगे, टेस्ट देखने होंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, राइट चेस्ट में दर्द होता है आराम में राइट चेस्ट में दर्द कैन नॉट, मोस्टली हार्ट का नहीं होता, मस्कुलोस्केलेटल होगा, डिहाइड्रेशन से हो सकता है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेक सम मसाज ले लो, रिलैक्सेशन ले लो, थोड़ा गर्म सेक करा लो, इट नीड्स रिलैक्सेशन, ठीक है, मसाज करा लो, अगर नहीं ठीक हो रहा तो ECG, इको, TMT, ट्रोपाई, ये सब कराओ। पल्मोनरी एडिमा के लिए आप मेरा हार्ट फेलियर वाला वीडियो देखो, हार्ट फेलियर बाय डॉक्टर एजुकेशन। मेरी मौसी को भी यही प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम, चलो यही प्रॉब्लम है ओके। लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद जो टांके लगते हैं उनके बारे में बताएं, क्या वो अपने आप चले जाते हैं, उनको कट करना पड़ता है?
देखो ऐसा है, चाहे लाइपोसक्शन में हो, चाहे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, चाहे कोई और सर्जरी हो, टांके मायने नहीं, टांके के अंदर जो थ्रेड यूज किया वो मायने रखता है। थ्रेड एब्जॉर्बेबल थ्रेड हो सकता है, जो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाए, अपने आप घुल जाए, वो थ्रेड हो सकता है नॉन एब्जॉर्बेबल। अगर आपका थ्रेड एब्जॉर्बेबल यूज हुआ है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं होती, नॉन एब्जॉर्बेबल है तो वो निकालना पड़ेगा। ये आपके डॉक्टर बताएंगे उसने टाके मारते समय कौन सा लगाया था, और वो बता देगा भैया 8 दिन बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद 5 दिन बाद आके टाके निकालवाने। तो ये क्वेश्चन आप अपने डॉक्टर साहब से पूछिए जिन्होंने टाके मारे। ओके, फिर पाल्पिटेशन को किस टाइम मापते हैं? ये क्या था, पाल्पिटेशन को मापना नहीं होता, धड़कन को मापना होता है। किस टाइम मापते हैं? जिस टाइम आप रिलैक्स हो। इस समय मैं धड़ाधड़ बोल रहा हूं, मेरी भी धड़कन बड़ी होगी, मेरी धड़कन 100 के आसपास हो सकती है। अब इस समय की धड़कन बढ़ी है मतलब मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है? नहीं, धड़कन मापनी है या नापनी है जब आप रिलैक्स्ड हो। बीपी नापना है जब आप रिलैक्स्ड हो। जाके हमारा बीपी और हार्ट रेट वाला वीडियो देखिए, उसमें कैसे नापना, कब नापना, कितनी बार नापना, सब समझाया। वीडियो देखोगे तो नॉलेज मिलेगी भैया। ऑल इज देयर, ऑल यू नीड टू डू इज सर्च इट एंड वॉच इट। थैंक यू राशिद, थैंक यू गौरव, लव यू ऑल। हार्ट पाल्पिटेशन होती है, ईसीजी इको नॉर्मल है। पाल्पिटेशन ईसीजी इको नॉर्मल, कारण हमने बताया डिहाइड्रेशन, एंजाइटी, स्लीप कम, काम ज्यादा, विटामिन डेफिशिएंसी। वर्क ऑन दीज थिंग्स। जब बीपी कोई बीमार हो जाता है, जब भी कोई बीमार हो जाता है वो पतला क्यों हो जाता है? जीरो डाइट नॉर्मल इंसान बिल्कुल काम नहीं कर पाता, बीमार इंसान पतला हो जाता है जी। बीमार इंसान के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिनका काम है सब तोड़ो और शुगर बनाओ, सब तोड़ो और शुगर बनाओ। और जब आप बीमार होते हैं आपके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही प्रॉब्लम लोग सोचते हैं कि मेरे को अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है, मेरे को अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं फैट बर्नर खा लूंगा, मैं थायराइड की दवा खा लूंगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। देखो प्रॉब्लम ये आता है कि आपको नहीं पता कौन सी चीज से क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। यहां बात हो रही है हर बीमार आदमी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक रेट वाला मेरा वीडियो देखना, उसमें समझाया कैसे होता है ये। बीमार आदमी इसीलिए पतला होता है, नंबर वन जो खाना खाता है वो सही से अब्सॉर्ब नहीं होता। बीमारी में अल्टीमेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से अब्सॉर्प्शन पावर कम हो जाती है, इसलिए बीमार आदमियों को कई बार पेट गड़बड़ा जाता है। प्लस बीमार आदमी दवाइयां ले रहा होता है, एंटीबायोटिक ले रहा होता है, वो ले रहा होता है, ये ले रहा होता है, उस चक्रों में भी पेट खराब होता है, उसमें भी गैस बनती है, उसमें भी दिक्कतें होती हैं। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर जिसके चलते आपका बहुत सिंपल सा आंसर है कि बीमार आदमी पतला हो जाता है, इसलिए बीमार आदमी को डाइट पे ध्यान देना जरूरी है। फीवर चढ़ता है जी बार बार, फीवर वाला मेरा वीडियो देखो, फीवर बाय डॉक्टर एजुकेशन। फीवर इज नॉट अ प्रॉब्लम, फीवर क्यों हुआ वो प्रॉब्लम है। फीवर इज योर फ्रेंड, फीवर इज योर फ्रेंड। अगर इस मतलब इसका मीनिंग नहीं पता, फीवर बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए, यूट्यूब पे वीडियो आएगा, देखिए। ओके, इवनिंग में पाल्पिटेशन, अगेन यू नीड एग्जामिनेशन डायग्नोसिस, ईसीजी। ईसीजी मदर है, मदर की ईसीजी, हार्ट टेस्ट जरूरी है, थायराइड फंक्शन जरूरी है, एनीमिया के लिए, खून की कमी के लिए जरूरी है। आप मीटअप कब करूंगे? मीटअप मैं रोज ही मीटअप करता हूं, है कि नहीं? ऐसे में डालने लग गया, अरे मेरे सब्सक्राइबर मेरे पास रोज आते हैं यहाँ क्लिनिक पे डेली सब्सक्राइबर्स आते हैं, हॉस्पिटल में डेली 5-10, 5-10, 15-20, 30-40 लोग रोज आते हैं। सो डेली मीटअप होता है। एक साथ सबसे मिलूंगा मैं सीधा फैन फेस्ट में, जब फैन फेस्ट वाले बुलाएंगे। इस बार नहीं बुलाया, मैं क्या करूं, है कि नहीं? और फैन फेस्ट वाले बुलाएंगे तो मिल लूंगा यार, है कि नहीं? आप लोग बोलो, ठीक है, पता नहीं। हाय, हेलो सर, नाइस टॉपिक सर। मैं डेली 200 ग्राम सोया चंक्स लेता हूँ, ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बट ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द बेस्ट ऑप्शन इज, अगर आप टाइम और आपके पास में वक्त है तो आप इसको जितना प्रोटीन को मिक्सअप करोगे उतना अच्छा है। डेली 200 लेने से कोई गायनेकोमेस्टिया नहीं होने वाला, ये भूल जाओ, पहली बात, अगर उसकी बात है। दूसरी बात, आप अगर जितना मिक्सअप करोगे कि 200 में आपको 100 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, यार इतना प्रोटीन एक ही सोर्स से लेना उतना अच्छा नहीं है, राइट? ठीक है, मैं रैप अप करना पड़ेगा भाई साहब, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे, खत्म कर रहे, अंदर से बुलावा आ गए। अच्छा चलो, वेट मेरा 68 है और वैट भी जरा ज्यादा है, कम करना है, सो ले सकता हूँ? जी ले सकते हो, बट अगर आप वेजिटेरियन हो देन दैट इज गुड। अगर नॉन वेज खा लेते हो तो इससे बेटर ऑप्शन है नॉन वेजिटेरियन फूड। आ जा, इसको उतार दो। छोटू आया, छोटू मेरे बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने वाला वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है भाई साहब, बाल झड़ते हैं तो बाल वाला वीडियो देखो, ठीक है? हाय कर दो, हाई फाई कर दो यार। अच्छा चलो, सशिका कर दो, ये दिख नहीं रहा ना कोई, इसलिए इसको सशिका, थैंक यू।
चाचा, सारे चाचा है इसके, ओके सारे चाचा। अच्छा रुक जाओ, पेड़ सवाल ले लेता हूँ, ये ना हो जाते जाते पेड़ सवाल ही रह जाए। 40 एक भाई साहब ने पेड़ सवाल दिया है, सुपर चैट ओके। सुपर चैट में सवाल है फिस्चुला का ट्रीटमेंट। फिस्चुला नॉर्मली नीड्स सर्जरी, फिस्चुला को ऑपरेट करके करना पड़ता है अगर वो खुद से ना भर जाए। फिस्चुला एक जगह से दूसरी जगह हो जाने वाली है, पाइपलाइन है जो बन गई है, जो कि चलते एक पस पॉइंट बनता है, वहां से निकलने का पॉइंट बनता है। तो फिस्चुला में पहले तो एंटीबायोटिक कोर्स अगर इन्फेक्टेड है तो वो ड्राई किया जाता है। कई बार इन्फेक्शन के साथ फिस्चुला बंद हो जाता है, लेकिन अगर फिस्चुला बंद ना हुआ तो फिर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, फिस्चुलेक्टॉमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑलराइट ओके देन। चलो दोस्तों बहुत सारे सवाल हुए, आप फटाफट आप आ जाइए पालपिटेशन यानी घबराहट वाले सवाल के साथ। नीचे सर गॉल ब्लैडर पॉलिप के बारे में बताएं, गॉल ब्लैडर में पॉलिप है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ खा रहा थैंक यू, उनको भी खिला दो एक बार। परमानेंटली क्योर एपिलेप्सी डिजीज, एपिलेप्सी पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एपिलेप्सी का ज्यादातर केसेस में क्योर नहीं होता है, कारण नहीं मिलता है, क्योर थोड़ी बोल रहा हूँ, कारण नहीं मिलता तो लंबे समय दवा चलती है एपिलेप्सी, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अगर उसका कारण मिल जाए, मान लो दिमाग में कीड़ा है, मान लो दिमाग में टीबी है, मान लो दिमाग में कोई ऐसी प्रॉब्लम वायरल इन्फेक्शन पता चल जाए, परमानेंट क्योर हो जाएगा भैया। ओके आई हैव पालपिटेशन, पालपिटेशन का मेरा डिटेल वीडियो भी है, पालपिटेशन बाय डॉक्टर एजुशन। थैंक यू हरसिमरन जी। किथे जाना, चलो जाओ अंदर, जाओ गो इनसाइड, अंदर जाओ। सर वार्म टेम्परेचर वेट लॉस करना है, वार्म टेम्परेचर में वेट लॉस की अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, चलो बना देंगे। शियाटिका पैठमेदार, ना बच्चू ये पूरा गिर जाना सिस्टम, आ जा तेनू ना इतने बैठना चाहिए। हाँ ना मैं नहीं खाना, मैं हले खाना है पुत्र। बीपी 60-90 है, नॉर्मल है 90/60, लो है बट ठीक है, थोड़ा सा आप नमक ज़्यादा खाइए और रेगुलर चेक करिए। ऑल राइट चलो। हाइपर हाइड्रोसिस ड्यू टू नर्वस एंजाइटी, उसकी दवाई चलती है, साइकाइट्रिस्ट देते हैं एंजाइटी की, नर्वसनेस की दवाएं, कम हो जाए तो कम हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, इट कैन नॉट बी फॉर श्योर। ठीक है, ऑलराइट, प्लीज टेल मी अबाउट टबाटा। ये तो मेरे को पता नहीं टबाटा क्या है, टबाटा मुझे भी नहीं पता व्हाट इज टबाटा। ऑलराइट, लिवर बहुत कमजोर है, लिवर कमजोरी का वीडियो मेरा ऑलरेडी है, लिवर कमजोर है, लिवर बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करो, लिवर के वीडियो आ जाएंगे। शाम को घबराहट होती है ज्यादातर लोगों में, जो सुबह से थक जाते हैं उनमें शुगर कम हो जाता है, उनमें पानी की कमी हो जाती है। आप डिहाइड्रेशन और शुगर के ऊपर ध्यान दीजिए, और मैं इस पे ध्यान देता हूँ। अभी के लिए आप लोगों से क्षमा और इजाजत चाहते हैं, कल आप लोगों से मिलेंगे एक बार फिर, और बाय बाय।